जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान के चिंतन मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। आठवें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने निरंतर अनन्य चिंतन करने वाले के लिए ही अपने आप को सुलभ बताया है कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। समूची गीता जी में सुलभ शब्द का प्रयोग केवल इसी श्लोक में हुआ है। भगवान के निरंतर चिंतन में दो बातें सहायक हैं, पहला भगवान के नाम का जप और दूसरा है सत्संग। भगवान के नाम के जप से भगवान की बारंबार स्मृति होती है। जैसे बिगुल बजने से सैनिक सजग हो जाता है, वैसे ही जप से मन रूपी सैनिक सावधान होता है। इसी प्रकार सत्संग करने से, साधुओं के दर्शन से भगवान याद आ जाते हैं। जिस प्रकार सिपाही के देखने से राजा याद आ जाता है, और जब भजन चर्चा चलती है तब खूब गुजरेगी मिल बैठेंगे दीवाने दो वाली बात कहावत चरितार्थ होती है। अर्थात भगवान का निरंतर चिंतन होने लगता है, भगवत चर्चा चलती है तो मन उसमें रम जाता है, कंठ गदगद हो जाता है, नेत्रों में आंसू आने लगते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हिय फाटेऊं फूटेऊं नयन जरऊ सो तन के ही काम द्रवे स्रवे पुलके नहीं तुलसी सुमिरत राम। कबीरदास जी कहते हैं कि सुमिरन सो सुधि लाइए जो सुर भी सुतमाही कह कबीर चारो चरत छिन्हूं बिसरत नाही। ऐसे नित्य निरंतर चिंतन करने के लिए भगवान कहते हैं, यह बात हुई। दूसरी बात है मद भक्तो भव। इसका तात्पर्य यह है कि मेरी आज्ञा पूर्वक, मेरी आज्ञा का प्रेम पूर्वक पालन कर। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, भगवान का आज्ञा पालन ही सेवा है। आदर पूर्वक भगवान की एक आज्ञा पालन करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, सो सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होने पर फिर क्या बाकी रह सकता है। एक पिता के कई लड़के हैं, उनमें पिता को अत्यंत प्यारा वह होगा जो पिता की आज्ञा का पालन करेगा। गुरु से वही शिष्य विशेष लाभ उठाएगा जो गुरु आज्ञा में तत्पर होगा। आज्ञा पालन से पूज्य की सारी शक्ति आज्ञा पालक में उतर आती है। इस विषय में यह बात विशेष समझने की है कि श्रद्धेय पुरुष जिस क्षण किसी बात के लिए आज्ञा दें उसी क्षण उसका पालन करना चाहिए। इससे विशेष लाभ होता है। असली आज्ञा वही है जो मालिक के अनुकूल हो, हमारे लिए भले ही प्रतिकूल हो। इसी तरह भगवद आज्ञा पालन करने वाला ही भगवद भक्त है। यहाँ प्रश्न होता है कि भगवान तो प्रत्यक्ष नहीं, फिर उनकी आज्ञा का पता कैसे लगे। तो इसका उत्तर यह है कि भगवद आज्ञा का पता लगाने के लिए चार उपाय हैं। एक तो सत शास्त्र, वेद, पुराण, ऋषि प्रणीत ग्रंथ। इनमें जिनके लिए जो कर्तव्य बताया गया है वही करना चाहिए। ऋषि मुनियों ने सत शास्त्र भगवान का आशय समझकर ही लिखे हैं, इसलिए भगवान भी कहते हैं, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यों जानकर तो शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने योग्य है, और भगवद गीता जैसे ग्रंथ तो जो साक्षात भगवान के ही श्रीमुख से निकले हुए हैं, भगवद आज्ञा है ही, इसलिए ऐसे ग्रंथों के अनुसार
अपना जीवन बना लेना ही भगवद आज्ञा का पालन करना है। दूसरा उपाय, भगवत प्राप्त महापुरुष जो कहते हैं उसे भगवान की आज्ञा मानकर करना, क्योंकि जिस अंतःकरण में राग द्वेष, स्वार्थ, ममता, अहंकार और पक्षपात नहीं, उस अंतःकरण से जो कुछ निकलेगा वह भगवद आज्ञा ही होगी। भगवान सब जगह परिपूर्ण हैं, पर जहाँ अंतःकरण विशेष शुद्ध है वहीं वे प्रकट होते हैं। इसलिए महात्माओं के वचन संपूर्ण जगत के हित के लिए होते हैं। महात्मा जैसा आचरण करते हैं वह भी साधकों के लिए भगवद आज्ञा मानने योग्य है। भगवान स्वयं कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य भी वैसा ही करते हैं। वह पुरुष जो कुछ आदर्श स्थापित करता है लोग भी उसके अनुसार बरतते हैं। तीसरा उपाय है, पक्षपात रहित अपने अंतःकरण में जो वास्तविक सिद्धांत के अनुकूल राग द्वेष रहित बात स्फुरित होती है उसे भी भगवद आज्ञा मानकर काम में लाना, क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। अर्थात मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं कि चौथा उपाय है कि जिन कामों के करने से हमारा और लोगों का अभी और परिणाम में भी परम हित होता दिखता हो उन्हें भगवद आज्ञा मानकर करना। उसमें भी हमारी अपेक्षा दूसरों का हित तथा वर्तमान की अपेक्षा भावी का हित मुख्य है। भगवान कैसी आज्ञा देंगे यह उनके स्वभाव से ही समझना चाहिए। जो भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं, हेतु रहित दयालु हैं, सबके परम पिता हैं, उन परमात्मा का स्वभाव प्राणी मात्र का हित करना ही है। अतः वे आज्ञा भी अपने स्वभाव के अनुकूल ही देंगे। भगवान कहते हैं, मेरा ही पूजन कर। यहाँ भगवान के श्री विग्रह तथा सब जीवों को भगवान का स्वरूप समझकर उनकी सेवा करनी है, वही भगवान की पूजा है। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है, यही भगवान के शरण होना है। भगवान कहते हैं, तू इस प्रकार मेरे शरण होकर मुझे ही प्राप्त कर लेगा, यही शरणागति है और मत्परायण मतलब माम नमस्कुरु कहकर इसी का वर्णन किया है। जय श्री राधे।